नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आज दो बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नजर डालते हैं एजेंडे पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई अदालत में हुई हेडली की गवाही, 26/11 हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के दिए सबूत, भारत पाकिस्तान को सौंपेगा नया डोजियर, बड़ा सवाल क्या पाकिस्तान करेगा हाफिज सईद पर कार्रवाई, और 3 सालों में PSU बैंक के डूबे 1.14 लाख करोड़ रुपए, 2013 से 2015 तक बैंकों का बैड लोन 60% बढ़ा। चलिए, दो खास मुद्दे हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे जिस तरीके से आज हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है गवाही हुई, और एक बार फिर से ये साबित हुआ कि पाकिस्तान की क्या भूमिका 26/11 में थी। बताया गया ISI से जुड़े हुए तमाम लोग जो है संपर्क में थे, 10 बार जो है भारत आया, और पाकिस्तान से ज़्यादातर जो है वो भारत आने में कामयाब रहा। और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया गया कि तमाम पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व थे, पासपोर्ट दिलाने से लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के। तमाम मेहमानों को रूबरू कराएं, उससे पहले क्या कुछ कहा गया उज्ज्वल निगम की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को लेकर के, पहले वो सुनते हैं। आज हमने अमेरिका से जो चश्मदीद गवाह डेविड कोलेमन हेडली, इसकी आज हमने गवाही लेना शुरू किया है, और डेविड हेडली ने अपने गवाही में कुछ सेंसिटिव रिविलेशन किए हैं। पहला रिविलेशन उसने ये किया कि उसका असल में नाम दाऊद गिलानी था, लेकिन LAT में लश्कर एक तोयबा ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बाद उसने 2006 में अमेरिका से अपना नाम डेविड कोलेमन हेडली ये चेंज कर दिया। हमने उसे पूछा कि अपना नाम चेंज करने की क्या वजह थी, तो उसने कहा कि मुझे इंडिया में रेकी के लिए आना था, और इसलिए मेरी जो आइडेंटिटी है वो मैंने छुपाना चाहता था, इसलिए मैंने वो मेरी नाम चेंज किया। ISI की क्या भूमिका रही, इसके बारे में भी खुलासा किया गया हेडली की तरफ से। क्या कुछ कहा उज्ज्वल निकम ने, सुनिए जरा। आज डेविड हेडली ने और एक सनसनी खुलासा किया था कि जो मेजर इकबाल और मेजर अली, इनसे उसका परिचय हुआ था। उसने ये बताया कि मेजर इकबाल ये ISI का आदमी था, और अली जो उसमें शख्स बताया है उसका भी उसने ISI से ताल्लुकात, आर्मी ISI में था, ये भी बात बताई। हमने ये भी पूछा कि ISI का किन लोगों से उसका वास्ता पड़ा, तो उसने बताया कि मेजर इकबाल ने उसको ट्रेनिंग दी थी, और LAT के कुछ ट्रेनर्स के नाम भी आज उसने बताया, और ऐसी कुछ जानकारी हम उसके पास से कल लेने की कोशिश करेंगे। उसने ये भी बताया कि उसने एक लीडरशिप कोर्स ज्वाइन किया था, उस लीडरशिप कोर्स में यानी जो हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी ये दोनों आते थे, और उन्होंने एक जिहाद के लिए यानी भारत के खिलाफ जंग कैसे करना, जंग क्यों करना, ये भी आज उसने कोर्ट में बात बताई थी। हमने उससे ये भी जानकारी ली कि इस ट्रेनिंग कोर्स में उसके कौन कौन से ट्रेनर थे, उन्होंने कौन कौन सी ट्रेनिंग हासिल की थी, और भारत के खिलाफ क्यों वो जंग चढ़ना चाहता था। उसने आज ये भी बताया कि उसे कश्मीर की भारत की इंडियन फोर्स से लड़ाई करने का उसका एक मकसद था, लेकिन उसे जकीउर रहमान लखवी ने मनाई कर दी, और जकीउर रहमान लखवी ने कहा कि उसके लिए एक दूसरा चुनौती उसको काम देंगे, और इसलिए उसको कश्मीर में, उसमें काफी उम्र होने के कारण उसे कश्मीर में नहीं भेजा गया। और भूतपूर्व रॉ चीफ AS दुलत ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ टिप्पणी की है वो भी जरा सुनिए। इसका कोर्ट में बयान देना मायने रखता है, लेकिन कोई नई चीज वो नहीं बता पाएगा जो मैं समझता हूँ, क्योंकि सिर्फ डिटेल की बात है। वो डिटेल जरूर देगा, लेकिन उसके अलावा जो है कि उसके ISI के साथ ताल्लुकात थे, और ISI और लश्कर 26/11 में इन्वॉल्व थे, ये सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन डेविड हेडली जो है वो सिर्फ ISI, मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ ISI का एजेंट था, वो कम से कम डबल एजेंट था, अगर ट्रिपल नहीं तो
तो इसलिए पुराना खिलाड़ी रहा है और कई कई बार आया गया है। चले तमाम खास मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हरिकेश बहादुर जी, वरिष्ठ राजनेता। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेन कुरशेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। उपेन्द्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिलीप के सिंह जी मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर जैन टीवी के और वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेन जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज जो कुछ बातें सामने आई उससे क्या कुछ बदलेगा? क्योंकि एक तरफ भारत नया डोजियर देने की बात कर रहा है, लेकिन पठानकोट मामले में आज ही के दिन ये स्पष्ट हो गया, ये कहा गया कि जो सबूत मुहैया कराए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्या इससे कुछ बदलेगा या पाकिस्तान डिनायल मोड पे जिस तरीके से रहा है आगे भी वही स्थिति रहने वाली है? देखिए, एक जो सच्चाई है उसे हमें मान लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान को डोजियर दें, पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में, पाकिस्तान के स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, आईएसआई, इन तमाम लोगों के बारे में हम जो भी बात कहेंगे और पाकिस्तान मान लेगा। मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान ने जो कुछ खुले में किया है वो आज तक उसको नहीं मानता। सन 1948 के मेडक सेक्टर से जिन कबायलियों की फौज आई थी आगे और पीछे सेना थी वो उसको भी नहीं मानता। वो सन 1971 में 95,000 पाकिस्तानी फौजियों के सरेंडर को भी नहीं मानता। वो 65 की भूमिका को नहीं मानता। वो पार्लियामेंट अटैक को नहीं मानता। वो 26/11 को नहीं मानता। हजारों अनगिनत इस देश के अंदर आतंकवादी हमले हैं उसको नहीं मानता। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भारत दुनिया का इतना बड़ा देश है, भारत की तरफ से जब भी ये मैसेज जाता है कि अब देखिए डेविड कॉलमैन हेडली ने भी कह दिया, अब उसका भी प्रूफ है। भाई, आपने जिस जिंदा आदमी को लाइव एक्शन में पकड़ा था और इतने साल उसको यहां रखा और सारे ट्रायल के उसको आपने चांसेस दिए, आपने पूरी दुनिया के सामने डोजर दिए, आपको बार बार क्यों लगता है कि कोई हमारे सबूतों पे मोहर लगाएगा और तभी वो बड़े होंगे? आज अमेरिका में ये आदमी वहां मौजूद है, उनकी कोर्ट से इसका समझौता हुआ है, इसको तमाम चीजें बतानी है, 35 साल की इसको सजा हुई है, वहां से ये आएगा नहीं, इसको डिपोर्ट नहीं किया जाना, सब कुछ अमेरिका में है। तो मेरा कहना यह है कि आज जो भी कुछ उसने बात कही है, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है जो भारत सरकार को पता हो, जो सरकार ने डोजियर में ना दी हो। हम सब जानते हैं कि जकीर रहमान का मामला है, उसके वॉइस टेस्ट का मामला है, पाकिस्तान उसको भी मानने को तैयार नहीं है। अजमल कसब से किन लोगों की बात हुई उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मेजर इकबाल का भी जिक्र उसमें था, उसका भी नाम। आज सिर्फ इसने उस बात को यह कह दिया क्योंकि कोर्ट के सामने एक गवाह की हैसियत में उसने आईएसआई का नाम लिया, उसमें मेजर अली का नाम बताया, मेजर इकबाल का नाम बताया, फिर उसने बताया कि कैसे मैंने दौराए सफा और दौराए खास जो दोनों उनके जो कोर्सेज होते हैं वो उसने किए, वो तमाम सारी उसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसने बताया। और उसमें उस हम ये मान सकते हैं कि वहां से उसके कहीं झूठ बोलने का कोई कारण नहीं बनता। तो हम ये कहें कि आज उसने जो कुछ बता दिया है इससे भारत का पक्ष मजबूत हुआ है, मैं नहीं मानता। क्योंकि उसकी छोटी सी बात जो उज्जवल निगम में आखिर में कही है कि आप देखें पठानकोट का हमला अभी कल परसों की घटना है ना, आज चंद दिनों की घटना है, कोई सालों पुरानी घटना नहीं है। और प्रधानमंत्री उस घटना के बाद पाकिस्तान के लाहौर में भी गए। आप ये भी देखें जिस वक्त प्रेशर था तो पाकिस्तान ने किस तरीके से भारतीय मीडिया को मूर्ख बनाया और भारतीय मीडिया ने किस तरीके से खबरें चलाई कि जैश ए मोहम्मद के सदर मौलाना अजहर मसूद को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके सील कर दिए गए हैं। न वो तब सील हुए थे, न वो गिरफ्तार किया था। और जैसे ही वो प्रेशर ईज आउट हुआ पाकिस्तान ने 2 दिन पहले कह दिया हमें सबूत नहीं, हमारे पास है काफी। तो उनको सबूत किसको दे रहे हैं? आप किसी चोर डकैत बदमाश लुटेरे गुंडे से कहें कि ये सबूत है कि तुम चोर हो तो वो मानेगा? सवाल यह है कि हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? एक तरफ हम कह रहे हैं आईएसआई इन्वॉल्व है, आईएसआई का मतलब आर्मी, आर्मी का मतलब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान उन सबूतों को मान लेगा? ये किस गलत फहमी के शिकार है हम लोग भाई? दिलीप जी, क्या आपको लग रहा है कुछ बदलेगा इस गवाही से या जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा कि क्या कुछ होगा इस गवाही के? क्या कुछ मायने जो है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या मान रहे हैं आप इसे? देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच में जब भी सीधा मुकाबला हुआ है तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान के एक स्टेट पॉलिसी का ये हिस्सा है जिसमें कि एक नहीं उनके कई ऐसे राजनेता जो उनके दिग्गज राजनेता है उनके देश के, उन्होंने भारत से किस तरह से लड़ना है उनको, उन्होंने इस बात को कह चुके हैं, चाहे वो भुट्टो हो चाहे कोई और हो। चूंकि उन्हें पता है कि भारत के खिलाफ वो सीधे मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने एक प्रॉक्सी वॉर इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म, इन द फॉर्म ऑफ एंटी इंडिया जो भी फोर्सेस हैं उसको
वहाँ पे पनाह देना, फाइनेंस करना, सपोर्ट करना, और उसको जो है एक उन्होंने अलग अलग एक गुस्से जो मुलम्मा उन्होंने अपने ऊपर चढ़ा रखा है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के साथ आप एक युद्ध कर रहे हैं, अगर ये सोच हमारी नहीं बनती है और हम ये मान रहे हैं कि हम बातचीत करें, तो मुझे लगता है कि बातचीत तो आप करते रहिए जी, और बातचीत होती रहेगी, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इट्स अ वॉर, जो स्ट्रेटजिक वॉर है पाकिस्तान के तरफ से अगेंस्ट इंडिया, और उसमें पाकिस्तान इसको कभी भी किसी भी स्तर पे कभी भी उनके ऊपर अगर ज्यादा दबाव बनता है तो वो एक क्षणिक रूप से कुछ लेफ्ट राइट करके दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन मेरा मसला वहां पे नहीं है विपुल जी, ये जो डेविड हेडली जो बने हैं इसका नाम परिवर्तन करने में, चलिए पाकिस्तानी ने उनको हेल्प किया है इंडियन वीजा मिलने में, बट उनका नाम चेंज करना, नाम चेंज होने में जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो सारा वहां पे, वो कैसे हुआ अमेरिका में, वो एक सवाल है जिसका जवाब आज हम नहीं देख पाए, नहीं ढूंढ पाए, या मुझे नहीं पता है कि उन्होंने इस तरह का कोई जवाब दिया है। और जो बात जो पूर्व रॉक आईबी के अधिकारी कह रहे थे कि किस तरह ही कुड बी या डबल सिंगल तो नहीं है, क्योंकि सारी बातें पहले से इस बात की जानकारी है भारत के पास, लेकिन वो अगर ट्रिपल नहीं तो डबल एजेंट जरूर है। अगर वो कह रहे हैं डबल एजेंट जरूर है, तो दूसरा एजेंट वो किनका था? आईएसआई के अलावा क्या सीआईए का इसमें हाथ था क्या, या किसका हाथ था? क्योंकि ये तमाम चीजें जो हुई है और वो जहां ले जा चुके हैं अब, वहां से भारत को ये तमाम जो तथ्य है वो मिलने वाले नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप देखिए, अमेरिका लगातार पाकिस्तान को आर्म्स मुहैया करवाते रहता है भारत के तरफ, आर्थिक कारणों से या कहीं और कारणों से, चीन के कारणों से वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो, लेकिन पाकिस्तान को कंटिन्यूस सपोर्ट करने वाला कोई अगर एक मुल्क है तो वो अमेरिका है। तो भारत के विरोध में जो भी गतिविधियां पाकिस्तान से होता है तो उसमें अगर अमेरिका का दबदबा या उसमें सपोर्ट नहीं है तो हो नहीं सकता है। ठीक, तो मैं, मेरा तो ये मानना है कि इस तरह की तमाम चीजों का जो लार्जर इसका जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हम कभी ले नहीं पा रहे हैं, और स्मॉलर जो ये पार्ट है कि हम सोचते हैं कि पाकिस्तान से हमारी बातचीत हो जाएगी और चीजें दुरुस्त हो जाएगा, यहाँ पे कोई उसकी औचित्य मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की एक स्टेट पॉलिसी है, चाहे स्टेट एक्टर हो जी या नॉन एक्टर हो। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, और खासतौर से क्या भारत कभी स्थिति में होगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान पे ओसामा बिन लादेन को लेकर जिस तरीके का ऑपरेशन किया, क्या भारत कभी ऐसी स्थिति में आ पाएगा? इस पर भी एक ये भी सवाल करेंगे हमारे मेहमानों से छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और एक और खास मेहमान भास्कर घोष जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भास्कर जी। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये क्या कुछ स्थितियां बदली हैं, या फिर भारत की जो तमाम कोशिशें करके ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही हो रही है, इसका क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है? क्या भारत ऐसी स्थिति में कभी आ पाएगा कि तमाम यूएन और तमाम जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ ये सहमति बना सके कि जो भी आतंकी कैंप्स हैं भारत उस पर हवाई हमले करके या पीओके में इस तरह के काम करने वाले लोगों को नेस्ताबूत कर सके, ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या? पाकिस्तान पर तो इस गवाही का कोई असर नहीं पड़ेगा, जो भी डोजियर वगैरह देगी भारत सरकार उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका इस्तेमाल करके भारत यही कर सकता है कि अन्य देशों पर दबाव डाले कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। इसका इंटरनेशनल यूज हो सकता है, खासकर अगर इंदिरा गांधी रहती, इंदिरा गांधी से अगर कोई नेता हो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में, मुझे पता नहीं है क्या नहीं है, तो वो बांग्लादेश पाकिस्तान पर कार्रवाई के पहले बहुत सारे देशों में घूमी थी, घूम घूम करके ये माहौल बनाया था कि हम अगर कोई कार्रवाई करें तो हमारे खिलाफ विश्व जनमत न जाए, इसका उन्होंने पूरा ख्याल रखा था। जो उन्होंने
दिखलाई थी, होशियारी दिखलाई थी। जयप्रकाश नारायण को भी इस काम के लिए भेजा था उन्होंने, वो बहुत किया था। इंदिरा गांधी ने जान लिया था हमें क्या करना है और क्या समस्या आएगी उसके बाद करने का। तो ये क्या भारत सरकार में ये कैपेबिलिटी है या नहीं है यह देखना पड़ेगा। अगर ये कैपेबिलिटी है भारत सरकार में तो फिर भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जनमत को और बढ़ा सकती है। जनमत जब ज्यादा हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, फिर भारत अपनी तरफ अगर कोई कार्रवाई करे तब उसको अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शन और दूसरे दूसरी जो बंदिशें होती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान भी है जो एटम पावर है, भारत भी एटॉमिक पावर है। सही बात है कि जो एटॉमिक पावर बन करके भारत ने गलती की, अगर भारत ने एटॉमिक एक्सप्लोजन वगैरह नहीं किया हुआ होता तो वह भी नहीं करता। फिर जो ट्रेडिशनल वारफेयर में तो आप हरा सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन एटॉमिक वारफेयर में कोई जीतता नहीं है, दोनों पक्ष हारता है। तो उस हालत में आपने अपनी ताकत है आप जो कर भारत परमाणु शक्ति नहीं तो हमारा इंतजार करता पाकिस्तान, हमारा इंतजार क्या करते वो, या फिर वो उनके पास पहले से था, उन्होंने उसके बाद आप इंदिरा गांधी जैसा ऑपरेशन कर सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब एक्सप्लोजन हुआ था उसके एक दिन के बाद वो परमाणु परीक्षण कर लेता है पाकिस्तान। इंदिरा गांधी ने जो परमाणु कानून चलाया, जिन्होंने तो असली तो परमाणु ताकत तो इंदिरा गांधी ने पोखरण में करवाया था, उसी समय बन चुका था, ऐसी बात नहीं है। उस समय भी उसके पास कैपेबिलिटी आ गई थी और उसी समय जो चला रहा था। तो मैं कहता हूँ कि परमाणु कार्यक्रम आपने चला करके पाकिस्तान को भी उसमें आपने शामिल कर लिया होड़ में और वो भी बन गया है। तो दोनों चूंकि एटॉमिक पावर है तो इसलिए भारत है जो उस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता। हाँ, कोई दूसरा देश हो, अमेरिका जो हो, कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है वो कार्रवाई, उस तरह की कार्रवाई का जवाब तो भारत दे सकता है। अमेरिका पाकिस्तान क्या सोच के भारत में कार्रवाई कर रहा है कि भारत नहीं है, उस तरह से तो करना मुश्किल हो जाएगा ओपनली। बाकी अगर सीक्रेटली आप कुछ कर दें बिना अनाउंस किए हुए, अमेरिका ने तो उसको मारा, उसके बाद अनाउंस किया कि हमने मारा और कहां फेंक दिया, ये हो गया। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू आज के जो गवाही का है उसमें पता नहीं उन्होंने पूछा कि नहीं पूछा, ये जानना चाहिए था कि बंबई में किन लोगों ने उसकी सहायता की। वो उतना बड़ा हमला बिना स्थानीय सपोर्ट का नहीं हो सकता था, कौन कौन लोग सपोर्टर थे इस पर ये पता नहीं है, ये कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते हैं, उन्होंने कुछ पूछा कि नहीं पूछा। वो हमें लगता है कि लोगों के लिए ये जानना ज्यादा उत्सुकता का विषय है। एक तो अपने रॉ के जो पूर्व अधिकारी हैं प्रमुख, उन्होंने कहा कि डबल एजेंट था कि नहीं था वो पता करने का, और उसका एजेंट था। लेकिन यह कि इंडिया में बंबई में कौन लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, उन लोग कौन लोग सपोर्टर थे, उसका खुलासा होना भी जरूरी है ताकि वैसे लोगों को कानून के दायरे में ला करके और जो ऐसा काम कर सकते हैं उनको अभी से डिस्करेज किया जा सके। वह काम ये हमें पता नहीं है, पूछा कि नहीं पूछा, कि उन्होंने निकम ने बतलाया नहीं कि हमने से कुछ लोगों के नाम आए थे उस समय, फिर उनको क्लीन चीट दे दिया गया। तो कहीं ऐसे लोग और भी तो नहीं है जिनका नाम नहीं आया हो और निकम साहब के पास जानकारी हो या भारत सरकार के पास जानकारी हो, या क्या पता उन्होंने ये सवाल पूछा ही नहीं हो। हरगिज जी, आपको लग रहा है कि इतने महत्वपूर्ण सवाल को छोड़ा जाएगा? हो सकता है जानकारी हो पब्लिक में, नहीं तो है कल भी चलेगी ना, पब्लिक डोमेन में शायद नहीं देना चाह रहे हैं। कल सुबह फिर 7 बजे से गवाही होनी है, क्या कैसे देख रहे हैं आप इस गवाही को, कितना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं? देखिए, हेडली इन्वॉल्व तो था ही सारे मामले में, अब वो जो बातें जो गवाही दे रहा है उसमें वो कितना सही बता रहा है, कितना गलत बता रहा है, कितना मैनिपुलेटेड चीजें बता रहा है, अभी आप उसमें कुछ नहीं कह सकते। अभी उसकी पूरी गवाही आपको सुननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि वो कह क्या रहा है। और निश्चित रूप से उसमें पाकिस्तान की एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, तभी वो ये सब कर रहा था। लेकिन जब तक वो खुद ना अपने मुंह से कहे कि हमसे ISI के लोगों ने संपर्क करके ऐसा कहवाया या कहा, कुछ के नाम तो ले रहा नहीं, नहीं उसने तो कहा है कि मैं मेजर इकबाल से, मेजर अली से मिला हूँ, बाकायदा उनसे बात हुई है, सारी चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें उसने बताई हैं, वो तो उसने कबूल दिया है, आज नाम बताए उसी ने बताया। हाँ, तो वो जो नाम उसने बताया है उसी से जाहिर होता है कि मेन इसमें इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का ही था, तभी ये होता है आगे। और अभी किसी के नाम बताता है कि नहीं, कुछ प्रमुख लोगों के नाम बताया है या नहीं, कुछ तो एक दो नाम उसने दिए हैं। कितना महत्वपूर्ण, कितना इससे कुछ बदलेगा क्या, सवाल ये है? सवाल ये नहीं है, देखिए मेन बात ये है कि जैसा कि उपेन जी ने भी कहा है और पुष्पेन जी भी इसी राय के हैं कि पाकिस्तान के रवैये में कोई खास परिवर्तन आने की संभावना है नहीं। वो लोग हमेशा इस तरह की हरकतें या और भी उनकी जो भी प्लानिंग हो वो करते रहते हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पर एक वर्ग है जिसके मन में इतनी नफरत भरी हुई है कि उस नफरत की वजह से वो सही दिशा में सोच ही नहीं पा रहे हैं, उनकी सोच ही बिल्कुल उलट गई है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आसानी से भारत के साथ कोई सद्भावना का
व्यवहार करेगा या वातावरण बनाएगा उसकी संभावना मुझे बहुत कम दिख रही है। भास्कर घोष जी आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर जाते हैं उसके बाद पठानकोट होता है, सवाल उठते हैं गृह मंत्री की तरफ से कहा जाता है नहीं पाकिस्तान ने जो कार्रवाई कर रही है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, दोनों देश के एनएसए बातचीत करते हैं, ऐसा लग रहा है पहली बार पाकिस्तान जो है स्वीकार करेगा या कोई कार्रवाई होगी, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात हम देख रहे हैं। आज पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और कहा यह गया कि जो सबूत है वो पर्याप्त नहीं है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सरकार की, आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान से डील करने की? देखिए पिछले 10-15 साल से बहुत बहुत टन डॉसियर हम लोग दे चुके हैं पाकिस्तान को, और जो एनआईए ने 26/11 के बाद कहा था वही आज पुष्टि हो रही है। एनआईए का रिपोर्ट आप देखेंगे और इसमें कोई फर्क ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कुछ नाम्स के एडिशन ऑल्ट्रेशन हो रहा है। तो इस सिचुएशन में भारत सरकार को जो करना चाहिए वही भारत सरकार कर रही है। एक तो बेसिकली जो पाकिस्तान के साथ जो अभी बातचीत जो चलने वाले थे उसको हम लोग रद्द कर दिए अभी तक, उसके ऊपर हम लोग अमल उस पर तो कोई पॉलिसी नहीं समझ में आ रही, कब रद्द कर रहे हैं, हम लोग जो प्रधानमंत्री वहां पहुंच जा रहे हैं, कब विदेश सचिव स्तर की वार्ता रोक दी जा रही है, बातचीत रद्द कर रहे हैं और प्रधानमंत्री लाहौर जा रहे हैं, आप अजीब बात कर रहे हैं और आप ऐसे करें जैसे आपने रद्द कर दिया इससे पाकिस्तान थर्रा गया है, डर गया है, आप रोज रद्द करते जैसे चाय पीते हैं, आप कभी कहते हैं रद्द कर दी कभी नहीं कर दी, कोई पॉलिसी बताए ना आपकी पॉलिसी क्या है। प्रधानमंत्री लाहौर जाते हैं सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए और एक पर्सनल मतलब एक आदमी आपके घर में घुस के मारेगा आपके लोगों को, नहीं सुन लीजिए एक सेकंड, लाहौर आपके देश में एक आदमी हमला करेगा वो कह रहा है कि हमने जंग छेड़ रखी है, आप कह रहे हैं कि हम रिश्ता बनाने के लिए लाहौर चले जाते हैं। प्रधानमंत्री लाहौर जाने के बाद जो घटना यहाँ पे हुई है उसके ऊपर भारत ने अपना जो ऑफिशियल जो स्टैंड है वो क्लियर कर चुके हैं और उसके बाद जो जो भी डिस्कशन था उसको रद्द किया जाए और उसमें एक चीज बताया जब तक ना सिचुएशन के इंप्रूवमेंट होगा तब तक डिस्कशन नहीं होंगे। तो सिचुएशन एक सेकंड भास्कर साहब आप टेलीविजन पे झूठ मत बोलिए, आपका ऑफिशियल स्टैंड है, आपकी सरकार के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है कि हम टच में हैं और बातचीत जारी है, बातचीत हम कर रहे हैं, कोई रद्द नहीं हुई है बातचीत, आप दो चीजों को मत कहिए कि हमने रद्द कर दिया है और जब तक उससे बात नहीं होगी तब तक हम बात नहीं करेंगे, आपने बातचीत के लिए यह कहा ही नहीं है, आप ऑफिशियल बात करिए, आपने कहा है कि ये जो बातचीत की डेट थी ये तय नहीं हुई है, इसको रद्द नहीं किया गया है। फॉर्मल बातचीत जो है वो फॉर्मल ऑफिशियल बातचीत हम लोग शुरू नहीं किए, जो बातचीत चल रहा है वो है कि बातचीत किस किस स्टेज में आखिर बातचीत हो सकता है, संपर्क तो हम लोग टूट नहीं थे, डिप्लोमेसी तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। नहीं आप तो कहते थे पाकिस्तान से बातचीत की जा रही है, आप तो कह रहे थे लव लेटर क्यों लिखे जा रहे हैं, अब आप डिप्लोमेसी बता रहे हैं भारत को, फॉर्मल कोई ऑब्जेक्टिव को सामने रख के बातचीत नहीं हो रहा, उस बातचीत का मतलब क्या है, हर बातचीत के कैंसिल होने से पहले भारत के शहरी मरते हैं, हर बातचीत के पहले से भारत की फौज मरती है, आप कह रहे हैं कि बातचीत फॉर्मल इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव, आपने नए नए शब्द गढ़ लिए, हर तीसरे दिन आप एक नई बात कहते हैं, आप ये नहीं बता पा रहे कि बातचीत हम क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं ना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रिया राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि हम ये माने कि पाकिस्तान के ऊपर कोई यकीन न करने की कोई वजह नहीं है, वो तो यकीन कर बैठे थे पाकिस्तान के ऊपर और आज आपके पाकिस्तान की तरफ से आ गया कि हम हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम जैसे मोहम्मद को पकड़े या नहीं पकड़े और आपने कहा कि नहीं साहब तब बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, किस पे कार्रवाई की, सिर्फ पाकिस्तान के कहने से आपने मान लिया कार्रवाई की, वो पाकिस्तान जो आज से पिछले 60 साल में एक बार आपकी बात को सच नहीं मानने को तैयार है और आपके गृह मंत्री कहते हैं कि नहीं हमें यकीन है कि पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है। नहीं पाकिस्तान के ऊपर जो ऑफिशियल कार्रवाई करना चाहिए वो तो हम लोग कर रहे हैं, वो कौन सी वो बताएं ना देश को, आज वो बताएं देश को क्या कर रहे हैं, जुरिसडिक्शन चल रहा है वो प्रोसेस जुरिसडिक्शन तो चल ही रहा है, जस्टिस जो प्रोसेस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके ऊपर हम लोग कोई सरकार ये प्रोसेस तो यूपीए के जमाने होता था तो आप कहते थे पाकिस्तान को लव लेटर बंद करते हैं, पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी चाहिए, आप तो ये बात कहते थे, आप कह रहे हैं कि वो प्रोसेस चल रहा है, आप में और बीजेपी कांग्रेस में फर्क क्या था? भास्कर साहब मैं जवाब दूं, अच्छा मेरा और कांग्रेस में फर्क यही है कि कांग्रेस जिस तरीके से बातचीत कर रहा था और जो रुख अपनाया था उस रुख और हमारे रुख में अलग फर्क है, हमारे जो रुख है वो कोई सब्जेक्टिव मुद्दे जो है वो सब्जेक्टिव मुद्दे के ऊपर हम लोग बातचीत कर तैयार है प्रोवाइडेड सिचुएशन इंप्रूव करे, सिचुएशन नहीं इंप्रूव करा है हम लोग उस सब्जेक्ट को बात ही नहीं कर रहे हैं। 26/11 के बाद हम लोग पूरी तरीके से रोक दी, पूरी दुनिया के सामने कांग्रेस ने एक्सपोज किया अमेरिका को, डिप्लोमेटिक विन थी वो बहुत बड़ी, उसको पार्टी लाइन से ना देखें आप,
और आप कह रहे हैं क्या कहते हैं कि हमने उनसे कहा है कि हम बातचीत भी करेंगे, हम ये भी रखेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हर बार आपके घर में घुस के लोग, आपके लोग मरते हैं क्या? आपके किसी कोवर्ट ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के लोग मरे क्या? पाकिस्तान के कमांडो मरे? और हर बार आपके लोग मरने के बाद आप कहते हैं कि हम बातचीत तो हमें जारी रखनी है। आपकी क्या मजबूरी है बातचीत जारी रखने के लिए भाई? क्या पाकिस्तान के साथ आपके व्यापार संबंध नहीं होंगे तो भारत भुगतंगा हो जाएगा क्या? लाइन ऑफ कंट्रोल जितना बार पहले उल्लंघन, अरे ये गिनवाइए मत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि 100 बार जब हुआ था हमारे बार 50 हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने भारत की इलीट फोर्स को मरवाया, दिखा रहे हैं आप, बात करते हैं अजीब खबर नहीं है। पुछले 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 सवाल, एक सवाल ये है जो ब्रेक से पहले उठाया गया था, वो ये कि क्या भारत ऐसी स्थिति में आ सकता है कभी कि जिस तरीके का ऑपरेशन अमेरिका ने किया, हम पाकिस्तान में जाके इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? विपुल, जब तक इस देश में पाकिस्तान ने 65 साल में जो बड़ी कामयाबी हासिल की है, इस देश में एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी उसने बना दी है जो हर पाकिस्तान की जायज और नाजायज मांग को जस्टिफाई करता है भारत में बैठ करके, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी का काम यह हो गया है कि जब भी पठानकोट हो, जब भी उधमपुर हो, जब भी गुरदासपुर हो, तो वो लॉबी निकलती है और कहता है नहीं बातचीत तो होनी चाहिए, बातचीत तो होनी चाहिए, इससे नहीं रुकी जा सकता है। भारत के अंदर साउथ ब्लॉक में वही टेम्परामेंट के लोग बैठे हैं, वो जिसको एपोलॉजिस्टिक जिनका एटीट्यूड होता है, जिनको लगता है नहीं पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखने के लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी चाहिए। मैं कह रहा हूं दीजिए कुर्बानी, लेकिन ये एक तरफा कुर्बानी 50 साल से चल रही है भाई। कुछ लोग पाकिस्तान में भी मारे जाएं, 2-4 बड़े हमले पाकिस्तान में हो तब हम पूछेंगे कि भाई अपनी माजी की बात भूल जाइए, आगे बढ़ना चाहिए। आज पाकिस्तान के डिप्लोमेट आके बैठते हैं, उनके तर्जियाकार टेलीविजन पे आके बैठते हैं, कहते हैं भाई पीछे भूल जाओ, वो 1948 से कश्मीर पकड़े हुए और हमसे कहते हैं कि आप पठानकोट भूल जाइए, हमसे कहते हैं आप पार्लियामेंट भूल जाइए, 26 भूल जाइए, आप आगे बढ़िए। इस देश में एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसकी वजह से पाकिस्तान वही कर रहा है। अब आप देखिए, मुझे आसाम में इलेक्शन होने, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर आसाम के अंदर वहां के मुख्यमंत्री से और वहां एक बहुत बड़े लोगों से मिला जिसमें सारे मुसलमान लोग थे और तमाम वो कंट्रोवर्शियल लोग उस मीटिंग में मौजूद थे और वो उनसे डेलिब्रेशन कर रहा है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर का आसाम के अंदर जाने का मतलब क्या है इस वक्त? लेकिन हमारे देश के अंदर लोगों को लगता है कि नहीं, हमें अपने आप को तथाकथित बड़ा दिखाना है, चाहे हमारे लोग मर जाए, हमारे बहन भाई मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहां तो लोगों के मरने की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हम बहुत आसानी से बातचीत करने चलते हैं, और उनका एक मर जाए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। दोनों की अप्रोच में फर्क है। क्या क्या रिएक्टिव होने के बजाय हमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है? अब पाकिस्तान को लेकर के स्टैंड बदलना चाहिए। जो स्थिति है उसमें जो रणनीतिक जो दावे किए जा रहे हैं, 1.5 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उससे पहले अगर उनके भाषण को हम देखें जो चुनावी भाषण थे, तो हमें उम्मीद थी कि उनकी नीति जो है पाकिस्तान के प्रति, खास करके या भारत के विरोध में जो भी शक्ति है जहां पे भी है, ऐसे एंटी इंडिया एक्टिविटीज को या एंटी इंडिया फोर्सेज को अगर एलिमिनेट नहीं तो कंटेन जरूर करें। कुछ हद तक अगर हम देखें तो कोशिश की गई है, कोशिश हो भी रही है, लेकिन एक जो शिफ्ट चाहिए पॉलिसी में, मुझे लगता है वो गवर्नमेंट का शिफ्ट होने से नहीं होता है, वो एक नेशनल विचार होता है, पॉलिसी होता है। और जो बात उपेंद्र जी कह रहे थे इंदिरा गांधी के बारे में, उस पॉलिसी को एक राष्ट्रीय पॉलिसी के तरह या उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने की फर्दर जरूरत थी। पाकिस्तान को हमें एक्सपोज वहां तक नहीं करना चाहिए था, बल्कि पाकिस्तान को वहां तक एक्सपोज करना चाहिए जहां तक उनको चाहे आर्म्स के रूप में, चाहे डोनेशन के रूप में, चाहे लोन के रूप में, चाहे फाइनेंस के रूप में, या चाहे अदर रूप में जो उनको हेल्प आता है, और जिस पैसे को डाइवर्ट करके पाकिस्तान एंटी इंडिया या आतंकवाद टेरर का फैक्ट्री खोला हुआ है, ये जो चीजें हैं इसको डबल, एक तो डिप्लोमेटिक लेवल पे और दूसरा जो हमारा अपना सिक्योरिटी या जो हमारा अपना स्ट्रेटजिक जो हमें हमारी सोच बननी चाहिए कि ऐसे मुल्क के साथ हमें क्या करना है जो हमारे साथ एक प्रॉक्सी वार दशकों से लड़ रहा है। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर के, अब यहां से क्या इसका आउटपुट क्या निकलेगा, ये जो गवाही हो रही है इसका हल क्या निकलेगा? देखिए, इस गवाही का हल तो यही एक हो सकता है जो दिलीप जी कह रहे हैं कि भारत सरकार है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत एग्रेसिव हो जाए और कहा जाए कि भाई ये जो है टेरर का ये सेंटर ही नहीं है बल्कि ये टेरर को प्रमोट कर रहा है, यहाँ से टेरर होता नहीं बल्कि ये टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसके हिसाब से अगर टेररिज्म के खिलाफ
लड़ाई लड़नी है विश्व समुदाय को तो पाकिस्तान को कंटेन करे और पाकिस्तान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, क्योंकि इकोनॉमिक वार है जो फेयर है वो ज्यादा सुटेबल है कि आप सीधे मिलिट्री उसके साथ मिलिट्री एंगेजमेंट कर दें। मैंने पहले भी कहा कि मिलिट्री एंगेजमेंट है जो भारत पाकिस्तान की समस्या का समाधान नहीं है। यह एक बहुत अच्छा मौका मिला है भारत को और इसका इस्तेमाल करके जो भी उसको सहायता कर रहा है, चीन हो, अमेरिका हो, यूरोपियन देश हो और दूसरे दूसरे देश हो, अभी तो अरब कंट्रीज। भारत को भी क्या पाकिस्तान की तरह प्रॉक्सी वार का रास्ता अख्तियार करना चाहिए क्या? प्रॉक्सी वार तो हाँ प्रॉक्सी वार कर सकता है, लेकिन खुले डिक्लेयर्ड वार में तो हमें लगता है कि वो करना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है तो एक स्ट्रेटजी के रूप में वो पाकिस्तान को भी कमजोर करे, क्योंकि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने किया उस समय आप याद कीजिए कि दो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, जो परेशानी हो रही थी 65 में हमला किया पाकिस्तान ने, पहले जब आजाद देश हुआ उसके बाद 48 में कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की गई, एक बड़ा हिस्सा उसने रख भी लिया, तो इंदिरा गांधी को लग गया था, आभास हो गया था 65 के बाद। ये जो है हमारे लिए एक परमानेंट हेडेक है, इस हेडेक को दूर करना चाहिए। तो एक तो उन्होंने किया हो, ऐसा नहीं कि 71 में हुआ जो 6 महीने का या साल भर की जो सोच है उसकी उपज है। ये हमें लगता है कि पाकिस्तान का जो हमला था 65 में था, 66 में उनकी डेथ हो गई अपने शास्त्री जी की, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, उसी समय से उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, इसी तरह से कुछ ना कुछ वो करना पड़ेगा। प्रॉक्सी वार वो कर रहा, प्रॉक्सी वार कीजिए, वहाँ का जो टेरर आउटफिट्स है उसको आप कैसे कंटेन करते हैं, जो भी तरीका साम दाम दंड भेद होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो पाकिस्तान का और भी फ्रेगमेंटेशन हो। पुष्पेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बलूचिस्तान जब 71 में ये घटना घटी बांग्लादेश वाली, उसके बाद बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान शांत हो गया था, आपको लगता है कि कुछ ऐसा ही ऑपरेशन बलूचिस्तान में होना चाहिए ताकि पाकिस्तान आंतरिक रूप से कमजोर हो और भारत में जो अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है कुछ समय के लिए शांत हो जाए? देखिए, आप इंदिरा गांधी के बारे में किताब लिखी है, पाकिस्तान के एक राइटर हैं तहमीमा दुर्रानी ने, उस किताब में उन्होंने एक जगह ये जिक्र किया है कि भारत की प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास हो गया था कि पाकिस्तान को हराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सेना का को ऐसे हालात में खड़ा कर देना कि जब वो अपने मुल्क के सामने मुंह दिखाने लायक न रह जाए। ये उस वक्त की बात कही है उन्होंने कि जब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 671 होने वाला है, और 71 की पूरी रूपरेखा उसी बुनियाद पे चली थी, और 95,000 जो सैनिक थे जिनको ये लगता था पाकिस्तान के अवाम को कि हम ही कौम के डिफेंडर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वहां की सियासत, वहां की दूसरे एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी बार बार ये भरोसा दिलाती रही है पाकिस्तानी अवाम को कि हम असली डिफेंडर हैं नेशन के, जब भी मुसीबत होगी तो हम ही बोचेंगे, और खासतौर से मुल्क काफिर मुल्क जो है, हिंदुओं का मुल्क जो है इसको, क्योंकि जब वो भारत कहते हैं तो भारत से ज्यादा उनकी चिड़ हिंदुओं से होती है, वो यहां सिखों को और मुसलमानों को और दूसरे लोगों से उतनी उनकी चिड़ नहीं होती है, तो उससे डिफेंड करने की जो उनकी छवि थी, इसीलिए इंदिरा गांधी ने वो प्लानिंग की। और 1971 के बाद आप देखें एक लंबे समय तक पाकिस्तान फौज की क्रेडिबिलिटी वहां के अवाम में खत्म हो गई, उनको लगता था सबसे ज्यादा बजट इनका है, सबसे ज्यादा अय्याशी ये करते हैं, हर बड़े इंस्टीट्यूशन पर ये बैठे, तो लोगों में उनके प्रति एक जबरदस्त गुस्सा था। इसके बाद आप देखें जिस तरह से अमेरिका ने उनको घर में घुस के मारा, उसके बाद फौज की क्रेडिबिलिटी कम हुई। पाकिस्तान को हराने का मतलब है पाकिस्तानी फौज का मोराल डाउन करना, अगर आप पाकिस्तानी फौज का मोराल डाउन नहीं करते हैं, वहां के सियासी लोगों का करते हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लिहाजा मेरा मानना है आप वहां हिट कीजिए जहां उनको दर्द हो, आप वहां हिट कीजिए जहां उनको पता चले कि यहां से चीजें खराब होंगी। आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, आप पीओके की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ होता रहता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप माने कि एक भी 26/11, मैं नहीं जानता स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है, किसी भी देश की पॉलिसी में तमाम चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, उसके आगे पीछे करके की जाती हैं, ये बताया नहीं जाता कि ये नॉन स्टेट एक्टर हम भेज रहे हैं, ये स्टेट एक्टर भेज रहे हैं, ये ऑफिशियली युद्ध कर रहे हैं, ये गैर ऑफिशियली युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में सब जायज होता है। अगर भारत ने दो भी ऑपरेशन किए होते ना तो आज पाकिस्तान, खासतौर से पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान हो, आप सिंध हो, केपी हो, वहां के ऑपरेशन का फर्क पाकिस्तान पे नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा पंजाब प्रांत के अंदर। अगर आप एक भी ऑपरेशन करेंगे तो ये जो पंजाबी टेररिस्ट हैं, जिसमें मोहम्मद आपका हफीज सईद है, जकीउर रहमान लखवी है, पंजाबी टेररिस्टों की पोजिशन वहां दमाग की हैसियत में है, इसलिए बाकी टेररिस्टों को तो वो लोग ऑपरेशन करते हैं लेकिन पंजाबी टेररिस्टों को पाल के रखते हैं, इसीलिए हाफिज के ऊपर एक्शन नहीं हो सकता, जकीउर रहमान के ऊपर नहीं हो सकता, ये दोनों पंजाबी यूनिवर्सिटी के हैं और पंजाबी हैं। छोटी टिप्पणी आपकी, क्या 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 रणनीति होनी चाहिए यहां से भारत की?
देखिए, पाकिस्तान के साथ जब कभी भी संघर्ष हुआ है तो इतिहास ये बताता है कि इसकी पहल हमेशा पाकिस्तान ने ही की है, और बंगला 1971 में भी उसी की तरफ से सब कुछ हुआ, और एक काफ़ी बड़ा सारी दुनिया को ये बताना पड़ा था जब बांग्लादेश से, उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उससे जब शरणार्थी आते थे भारत में, तो सारी दुनिया को ये बताना पड़ा कि ये इतना अत्याचार वहाँ कर रहे हैं अपनी ही जनता पर कि लोग भाग करके भारत में आ रहे हैं, और पूरा एक माहौल भारत सरकार ने बनाया ताकि दुनिया समझ सके कि पाकिस्तान एक्चुअली कर क्या रहा है। उस समय पाकिस्तान को अमेरिका का बहुत अधिक समर्थन था, इतना समर्थन था कि जब लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तान अमेरिका का 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आ गया। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हुई उसमें भारत सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया था वो ये किया था कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश की गई थी कि यह एक ऐसा देश है जो कि कभी भी सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है, ना तो वो अपने पड़ोसियों के साथ, ना अपने देश के खुद के नागरिकों के साथ। उसके बावजूद तमाम अथक प्रयासों के बाद, उसमें जयप्रकाश नारायण जी वगैरह सब लोगों को इन्वॉल्व किया गया था, उसके बावजूद भी अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। ठीक। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें अमेरिका एक तरफ तो पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है, दूसरी तरफ वो भारत को भी सपोर्ट करता है, तीसरी तरफ वो भारत के दर्द को महसूस करने का एक, अब चाहे उसे नाटक कहिए या असलियत कहिए, यह भी दर्शाता है, फिर उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, फिर उन्हें पैसे देता है। तो दुनिया के तमाम जो इस तरह की फोर्सेज ये खेल खेल रही हैं, अगर ये फोर्सेज इसी तरह से खेल करती रहेंगी जी जी। तो भारत को कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा कि पाकिस्तान को ठीक तरह से एक्सपोज करना पड़ेगा, और उन फोर्सेज को भी ये बताना पड़ेगा कि आप जो ये काम कर रहे हैं इससे पाकिस्तान का मनोबल कहीं से डाउन नहीं हो रहा है, बल्कि वो बढ़ रहा है, इसलिए पाकिस्तान लगातार ये हरकतें कर रहा है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा, इस देश में जहां किसान कर्ज ना मिलने की वजह से, कर्ज ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, आपको हमको लोन लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, उसी देश के अंदर 3 साल के अंदर 1.14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो खराब कर्ज रहा, वे ऑफ कर दिया गया, उसको एनपीए बन गया, क्या कुछ पूरी कहानी है, क्या कुछ इसके मायने हैं, छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा। घटनाचक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और अब बात करते हैं जरा पीएसयू बैंकों के बारे में। एक बड़ा खुलासा हुआ है आरटीआई के जरिए। आपको बता दें कि 3 साल 2013, 2014 और 2015, इन महज तीन सालों के अंदर जो बैंकों के बैड लोन हैं, जो ऐसा कर्ज जो कि रिकवर नहीं हो पाया और उसे जो है राइट ऑफ कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, वो 1,14,000 करोड़ है। आप देखिए, इस देश के अंदर अगर आप एजुकेशन लोन लेने जाते हैं, होम लोन लेते हैं, तो तमाम तरह की अगर आप कर्ज नहीं दे पाते हैं तो आपकी गाड़ी, आपका घर जो है आपको गिरवी रखना पड़ता है, बैंक उसे कब्जा कर लेता है। लेकिन 1,14,000 करोड़ रुपए साफ हो गए, और इसमें जो सरकारी बैंक हैं उनको सबसे ज़्यादा झटका लगा। SBI, या ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, SBI को 40,000 इन 3 सालों के अंदर 40,064 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। PNB 9,531 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक 6,247 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 4,983 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा 4,884 करोड़ का नुकसान हुआ है। कैनरा बैंक 4,598 करोड़। ये वो तमाम बड़े बैंक हैं जो कि PSU बैंक है, और सरकार को बड़ा झटका इन बैंकों को लगा है। रघुराम राजन ने भी इस पर चिंता जताई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको कि जो तमाम बड़े उद्योगपति हैं, माल्या हो, तमाम ऐसे लोग हैं, ये राइट ऑफ कर दे रहे हैं बैंक उनके, जो कि खराब कर्ज उसे मान ले रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब RBI रेट कम कर रहा है,
उनके पास पैसे नहीं है, बैंकों के पास कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, आम जनता को लोन नहीं मिल पाता आसानी से, बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ का लोन न सिर्फ मिलता है बल्कि उसे बाद में माफ भी कर दिया जाता है। इसमें कई लोगों के बारे में तो लोग जानते हैं कि वो नहीं है जो बैंक करप्ट है, उनकी एक कंपनी में लोन लिया, दूसरी कंपनी उनकी बहुत अच्छी चल रही है, प्रॉफिटेबल चल रही है, कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े काम ऐसे कर रहे हैं जो IPL टीम खरीद के और बाकी तमाम उनके जो अपने व्यक्तिगत जो तमाम चीज़ें हैं वो चल रहा है, लेकिन आम लोगों का जो पैसा जमा है, टैक्स पेयर्स मनी जो है, जो पब्लिक मनी है, उसको लूटा जा रहा है। और ये लूट आज से नहीं मची हुई है, अगर इस लूट को आप देखें, ये कोई एक साल, डेढ़ साल, दो साल, ढाई साल का नहीं, ये तो तीन साल का एक आंकड़े हैं आपके पास, इससे पहले के भी आंकड़े हैं। और ये बदस्तूर जिसे कहते हैं जारी है हिंदुस्तान में, और इसके पीछे दो तीन अहम आप देखिए कि जो कंपनियां या जो इस तरह के लोग हैं जिनके पास ये डेट, जिसको बैड डेट में या NPA में बाद में उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसको बोला जाता है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको एक तरह से उन्हें थोड़ी बहुत या बहुत ज्यादा परेशानी की वजह से नहीं, लेकिन एंड ऑफ द डे इसका एक जो बड़ा पार्ट जो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा इलेक्शन का, वहां पे जो पैसे जाते हैं या लगते हैं, जो लोग जो हजारों करोड़ हम सुनते हैं कि इतना करोड़ रुपया खर्च हो रहा है इस पार्टी ने, इतने करोड़, तो ये जो पैसे आते हैं कैश खर्च करने के लिए इलेक्शन में, ये कहां से आते हैं? ये कोई चंदा से जो लोग चंदा दे के 5-5 रुपया लड़ने वाली पार्टी तो है नहीं, तो ये जो तमाम पार्टियां हैं जिनके फंड में 10,000-15,000 करोड़ 100 करोड़ रुपए रहती हैं, उन पार्टियों के फंड में आता है उन पार्टियों के, और फिर जब ये पार्टियां सत्ता में आती हैं तो कहीं ना कहीं यही लोग पार्टियों पे, सरकार जब बनती है तो उसका दुरुपयोग, मैं अगर कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, दुरुपयोग करके इस तरह के फायदे उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण वो है, और दूसरा एक और है कि आप देखिए रिप्रेजेंटेशन जो होता है पब्लिक का, चुनाव हो गया उसके बाद बाकी चुनाव तक जब तक परिणाम नहीं आते हैं, मतदान और परिणाम तक लोकतंत्र है ये, उसके बाद जो है यहाँ एक नियंत्रित तंत्र, क्रोनी कैपिटलिज्म काम करता है जिसका ये नतीजा है। उपेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि एक तरफ बैंक ये बोलते हैं लिक्विडिटी की दिक्कत है, पैसे नहीं है उनके पास, बार बार दबाव रहता है RBI की तरफ से कि वो किसी तरीके से गवर्नमेंट जो है फंड इन्फ्यूज करे PSU बैंकों में, और करती भी रहे हैं लगातार, हम देख रहे हैं समय समय पर होता रहता है, या CRR कम करें, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलती है, लोग आम आदमी को लोन दे नहीं रहे हैं, ये तमाम उद्योगपतियों के जो लोन हैं ये कैसे देखें इसे, क्योंकि इसका बोझ तो सीधे सीधे आम आदमी पर ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतने 1,14,000 करोड़ रुपए अगर सिर्फ 3 साल में साफ हो गए, जिसको कहा जा रहा है राइट ऑफ कर दिया गया, कितना बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था के लिए है ये देखिए पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक है। और भारत में जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 10% से ज़्यादा आसानी से जा सकता है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि फिनेंशियल सेक्टर में जो इरेगुलरिटी हो रही है और जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है, इसके कारण है कि कैपिटलिस्ट को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है और जो पॉलिटिशियंस इन पावर हैं उनको ही फायदा पहुंचाया जा रहा है, चुनाव के समय उनको चंदा दिया जाता है और उस चंदे से इंडियन डेमोक्रेसी है उसका भी नुकसान हो रहा है। मतलब है कि ये चौतरफा नुकसान है, ये सिर्फ बैंक का, बैंकिंग सिस्टम का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं है बल्कि एक डेमोक्रेटिक लॉस आप कह सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी भी लॉस में जा रहा है। तो उसके लिए सभी लेवल पर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, बहुत सारा जो हो रहा है उसको आप देखिए अगर कुछ जाँच करवाई जाए तो कह देगा जाँच करने वाला कि सिस्टमिक फेलियर है। ये शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया था, हर्षद मेहता के नाम से जुड़ा एक घोटाला आया था, वो भी बैंकों का एक घोटाला था, बैंकों के पैसे शेयर बाजार में जा रहे थे, पैसे का ये पता चला, तो उसको भी सिस्टेमिक फेलियर कहा था, इस शब्द का इस्तेमाल किया था मनमोहन सिंह ने, वित्त मंत्री थे, लेकिन सिस्टेमिक फेलियर को रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं खड़ा किया, कुछ किया ही नहीं गया, यानी सिस्टेमिक फेलियर चारों तरफ से हो रहा है। तो एक सिस्टेमिक फेलियर को इन्होंने अपनी ढाल बना दी है और अपना औजार ही बना दिया, उसी फेलियर की सहायता से ये है जो सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, एजुकेशन रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और फिनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, उसकी जो पूरी जो कंपनी एक्ट है उसको बदलने की जरूरत है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोन लेने वाले की उस पर उसको भी रिफॉर्म करने की जरूरत है, कि अगर आप अकाउंटेबल हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है,
तो ये जो बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं वो हो नहीं रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। जब नरेंद्र मोदी को लोग प्रधानमंत्री के रूप में चुन रहे थे तो उनको लगता था कि ये बहुत विजनरी आदमी है, ये अगर कुछ सिस्टेमिक चेंज करेंगे, इनको सिस्टेमिक चेंज तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है सिवाय इसके कि इन्वेस्टमेंट ले आओ, रोड बना दो, बिजली बना दो, रोड बना दो, बिजली बना दो, ये दोनों के अलावा और ये कुछ करते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अभी जरूरत है, करना चाहिए उनको। चलिए, अब समय बहुत कम बचा हुआ है तो हम बाकी के तीन मेहमान चाहेंगे छोटी छोटी टुकड़ी। पुष्पेंद्र जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। सर, जो निजी बैंक हैं उनका एनपीए इतना हाई नहीं है, ये सरकारी बैंकों को इतना बड़ा नुकसान क्यों होने दे रही है आरबीआई, या फिर सरकार की तरफ से क्यों नहीं इस मामले में कोई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से तो किंगफिशर में हमने देखा कि एसबीआई को बड़ा नुकसान हुआ। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कि जो पीएसयू बैंक है उनको ही इसका घाटा झेलना पड़ता है। देखिए, एक बात साफ है, उपेंद्र ने भी कहा, दिलीप भी कह रहे हैं कि हमारे देश में हम इसी किसी गलतफहमी में हम ये जी रहे हैं कि इस देश का जो कानून है वो हमारे गरीब आदमी के लिए है। ये जोर जोर से बोला जाता है ये गरीबों की सरकार है, गरीबों द्वारा है, गरीब के लिए बनी, ये तमाम सारे जुमले हैं। 1971 से गरीबी हटाई जा रही थी। इस देश का सारा तंत्र जो है बड़े बड़े फ्रॉडियों को, बड़े बड़े डिफॉल्टर्स को बचाने के लिए बना हुआ है। जो बात अभी उपेंद्र जी ने कहा, दिलीप ने कहा कि चुनाव से पहले बहुत सारा चंदा होता है, तो सरकार कोई भी हो, ये रीपे का टाइम आया है तो सरकारी बैंक ही रीपे करेंगे। जो प्राइवेट है उन्हें बिजनेस चाहिए, वो चैरिटी करने नहीं बैठे हैं। अब करोड़ों खरबों अरबों रुपए के बैंक डिफॉल्टर वाले लोग जो हैं इस समाज में पूरे सम्मान के साथ घूम रहे हैं। आप अगर अपनी कार का लोन न दें तो आप 3 दिन तक घर से नहीं निकलेंगे, आपके घर पे 4 गुंडे आ जाएंगे, आपके यहां बैंक के कर्मचारी आ जाएंगे। तो दोनों के लिए समाज के अंदर सम्मान और अपमान का भी एक अलग है और दोनों के लिए नियम भी अलग है। तो लोकतंत्र में मैं तो ये देख रहा हूं कि लोकतंत्र में चुनाव से पहले लोग मजबूत होते हैं और परिणाम आने के बाद तंत्र मजबूत हो जाता है, और वो तंत्र फिर ये नहीं पूछता है कि आप किस पार्टी के थे किस पार्टी के नहीं थे। लेकिन जो आपने फिगर बताई है 2013, 14, 15, तो इसमें आप ये देखें कि देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां दोनों का रोल है। 2013 में अगर मनमोहन सिंह थे तो 2014 में नरेंद्र मोदी आए, तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की बातें की, जिस बैकग्राउंड से वह आए, चाय वाले से लेकर के लोगों ने लगा कि ये शायद गरीब का दर्द जानते हैं, लेकिन गरीब का दर्द जो है महाराष्ट्र के अंदर नाना पाटेकर अपनी इज्जत की कमाई से गरीब किसानों को बचाने में लगा रहा है। आज खरबों अरबों के आप लोन वापस कर रहे हैं, किसान को नहीं कर पा रहे आप, जिस किसान की सारी फसल खुले में खड़ी रहती है, जिसका कोई गारंटर नहीं होता कब बारिश आएगी, कब बाढ़ आ जाएगी, कब सूखा पड़ेगा, उसको मदद करने की जगह उन लोगों को मदद कर रहे हैं। कि ये तमाम सारे लोग इस समाज के बड़े सम्मानित लोग हैं, ये कल भी थे, आज भी है और ये परसों भी रहेंगे। हरगे जी, इसका हल क्या हो सकता है? ये जो बैंकरप्सी बिल और तमाम बिल पेंडिंग पड़े हैं, क्या बिल के जरिए इस समस्या से निपटा सकता है? ये बहाना है। मेरी मान्यता ये है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो तमाम लूपहोल्स हैं और तमाम तरह की जो कमजोरियां और कमियां हैं उसका फायदा उठा करके देश के पूंजीपति इसका पूरा लाभ ले रहे हैं, और यह एक कंटिन्यूस प्रक्रिया हो गई है। ये बहुत वर्षों से कई लाख करोड़ रुपया, कम से कम मैं समझता हूँ कि अगर 10-15 सालों का पूरा इतिहास अगर आप देखेंगे तो कम से कम 24-25 लाख करोड़ रुपया इस तरह से माफ़ किया गया है, और जो भी सरकार आती है इनको ये हमेशा इस तरह से माफ़ी इनको देती रहती है। और ये पूंजीपति बैंकों से लोन ले करके पूरा ऐसो आराम करते हैं, अपने कंपनियों को डुबाते हैं, फिर बताते हैं कि हम नहीं इससे कर पा रहे हैं, हमें माफ़ किया जाए, हमारा पैसा माफ़ किया जाए, और अंत में सरकार बैंकों के माध्यम से उसे माफ़ करती है। और किसान की स्थिति यह है कि एक साल का किसान को 65-70 हज़ार करोड़ रुपया उसका माफ़ कर दिया गया था, तो ये पूंजीपति सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे कि किसानों का इतना माफ क्यों कर। आज एक भी पूंजीपति नहीं बोल रहे हैं, ये एक भी नहीं बोलते हैं, ये बिल्कुल आज वो सारे ब्रिगेड जो इकोनॉमी की बात करते हैं प्रक्रिया के द्वारा इस देश को लूटने वाले लोगों की जमात है जिनको की लगातार फायदा मिल रहा है। भास्कर घोष जी, आखिरी टिप्पणी आपसे, समय बिल्कुल रोका जा सकता है, छोटी टिप्पणी, क्या कर रही है आपकी सरकार? मोदी सरकार के आने के बाद ये आंकड़े बढ़ गए हैं, 3 सालों में 60% बढ़ गया है कंपनी का जो बैड लोन है। विपुल जी, ये कुछ आंकड़े जो मेरे सामने है, इसको अगर मैं एनालिसिस करूँ तो आपको 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 चकित हो जाएंगे की ये जो 1,14,182 करोड़ जो अभी वेव ऑफ किया गया है ये पीरियड है बिटवीन 2004 टू 2015, जिसमें नहीं 2013 का 2014-15।